हमारे साथ नए मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी हैं और मनोहर लाल जी हैं जो एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। नायब सिंह जी, आपने सोचा था आप मुख्यमंत्री बनेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा है, कल्पना भी नहीं थी दूर की। आज विधानसभा में मैं बोल रहा था और मैंने कहा भी है कि मेरे परिवार से तो कोई पंचायत का मेंबर भी नहीं रहा और ये पार्टी का ही सिस्टम है, पार्टी ने आज इस पद के ऊपर बैठाया है। हम धन्यवाद करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर जी, जो हरियाणा का बड़ा मजबूती से जिन्होंने काम किया है और हरियाणा को एक्चुअल में एक नई दिशा जो दी है, इसका मैं बार बार चर्चा भी करता हूं। लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम मनोहर लाल जी ने किया हरियाणा के अंदर। मनोहर जी, आपने सोचा था एक दिन पहले प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे, और हमेशा तारीफ हुई आपके काम को लेकर के, बाकी लीडरशिप भी तारीफ करते थे, और अगले दिन आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आपने सोचा था ये कि आपको पता था इसकी जानी? देखिए अशोक जी, तारीफ करना और मुख्यमंत्री रहना ना रहना इसको कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है कि हम लोगों ने इकट्ठे काम किया, वो मुझे अच्छी प्रकार से पहचानते हैं, मैं भी उनकी सारी कार्यपत्ति को जानता हूं, उनके सारे जो नए नए प्रकार के वो काम करते हैं मेरी बहुत पहले की जानकारी है। जब 1996 से लगातार हम लोग काम करते थे 2001 तक, हमेशा वो प्रोत्साहन देते थे नए कामों को कैसे करना, इनोवेटिव आइडियाज उनके आते थे और उनसे ये सारी बातें मैंने सीखी हैं। उसी में से उन्होंने पुराने दिन याद किए, मुझे भी अच्छा लगा और सब लोगों को अच्छा लगा। कुछ बातें नहीं होती हैं, लोगों को पता लगती हैं। उसके बाद ये दायित्व परिवर्तन, ये उसका सीधा संबंध नहीं, ये बातें हमारी मैंने तो प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले कहा था कि एक अच्छा संगठन वही होता है, अच्छी चीज वही होती है जिसमें नई पीढ़ी अगर वो समय पर आ जाए और अपने हाथों से ही हम किसी को एस्टेब्लिश करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें भी अच्छा लगा और बहुत समय से प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा था, उन्होंने उस बात को स्वीकारा, टाइमिंग उनके हाथ में था तो इसलिए टाइमिंग ये उन्होंने जैसे बताया तो हमने उसको उसी ढंग से कल संपन्न किया। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़े, विधायकी से इस्तीफा दे दिया आपने? आज मैंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया इसलिए कि अब चूंकि मुझे वहां के लोग एक मुख्यमंत्री के नाते से ज्यादा पहचानते हैं, अब मैं मुख्यमंत्री अगर नहीं रहा हूं तो मैं अगर वहां केवल विधायक रहता हूं तो उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। मैंने जैसे पहले जितने भी हमारे उपचुनाव हुए हैं जहां एमएलए वहां नहीं होते थे तो मैं घोषणा करता था कि यह अब आपका एमएलए नहीं है, जब तक नई व्यवस्था नहीं होती तब तक मुख्यमंत्री के नाते ये मेरा दायित्व है कि वहां के लोगों की चिंता करना। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मेरा काम नहीं है। सैनी साहब, क्या आपके फेवर में गया ओबीसी होना? फेवर में गया आपके एक बार के एमएलए, एक बार के एमपी, और वो भी मनोहर लाल जी ने आपको एमपी का चुनाव लड़ाया, इन्हीं के साथ आपका शुरू से जुड़ाव रहा, यही मार्गदर्शन रहे, आप दर्शक रहे, तो आपके फेवर में क्या ओबीसी होना फेवर में गया, क्या वजह है आपको लगती है कि आपको मुख्यमंत्री कुर्सी दी गई? नहीं, देखिए मनोहर जी से बहुत कुछ सीखा है और आज मैंने चर्चा भी की है कि मैंने बारीक से बारीक चीज उसके बारे में भी जानकारी, कहीं मुझे दिक्कत आती थी तो उसके बारे में भी मैं पूछ करके उसको आगे बढ़ता था और आगे भी, क्योंकि इनका सानिध्य, इनका स्नेह वो साथ रहेगा। और इसके बारे में मैं नहीं जानता, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता था। और कोई भी अपने मुंह से अपनी विशेषता नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। हमारे नायब सिंह जी मेरे साथ 1995 से हम लोग साथ हैं। 95 में जब मैं संगठन मंत्री था हरियाणा का, बनाई था मैं 94 में, तो वहां हमारे कार्यालय में काम करने के लिए जो स्टाफ होता है तो उस नाते से, एक मिनट बंद कर लो, उस नाते से जब इनके काम को हमने देखा तो बहुत पारखी व्यक्ति इस नाते से कि हर चीज को कैसे ठीक से करना है और काम को पूर्णता तक कैसे लेके जाना है। ये वहां सामान्य काम में लगे थे, चाहे टाइप का काम करते थे, कंप्यूटर का काम करते थे, क्लेरिकल काम करते थे, फिर मेरे साथ सहयोग में मेरे साथ भी जाते थे, गाड़ी यानी कि चालक के नाते भी साथ रहते थे हम लोगों ने, फिर दूसरे प्रदेशों में भी जाके इकट्ठे काम करना शुरू किया, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मानो छत्तीसगढ़ हो और उत्तर प्रदेश हो, तो ऐसे कई प्रांतों में कहीं 6 महीने कहीं 3 महीने हम लोगों ने साथ काम किया इकट्ठे। तो एक आदमी की पहचान स्वयं आदमी नहीं कर सकता, दूसरा ही करता है।
इनको जब नारायणगढ़ में ये रहते थे और वहाँ विधानसभा का चुनाव 2014 में लड़ने की बात आई तो मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको बहुत बचपन से ही मैं उनको जानता हूँ, एक अच्छे संस्कार हैं, तो विधायक बने। विधायक बनने के बाद इनको मंत्री भी बनाया गया। मंत्री बनाने के बाद में लोकसभा में इनको जाना चाहिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया। आखिर कोई ना कोई चीज विशेषताएं देखी होंगी हमारे केंद्रीय नेतृत्व में, तभी ये चीज आगे बढ़ी। बाद में प्रदेश के अध्यक्ष भी बनाया गया, तो केंद्र की हमारी जो इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो नेता है, वो हर चीज को बारीकी से देखते हैं। उन्होंने देख करके कोई अच्छी चीजें देखी होंगी, तभी इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और अब जब मुख्यमंत्री की बारी भी आई तो निश्चित रूप से इनके ऊपर ही एक सहमति बनी। हमारे विधायक दल ने भी कल सर्वसम्मति से वही कहा कि नायब सिंह जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय तक हैं, वही एक उपयुक्त तो ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं कि जिनको मुख्यमंत्री का दायित्व तो अगर हम सौंपेंगे देंगे तो एक अच्छा काम, जिन कामों को हमने निरंतर 9.5 साल में बढ़ाया है उनको लगातार आगे चलाए रखना, और नई नई जो चीजें और बाकी हैं पेंडिंग है उनको भी निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये इसको पूरा करेंगे। मैंने विश्वास दिलाया कि पूरा इनका मैं सहयोग करूंगा, और आने वाले कम से कम ये जो सत्र बाकी 6 महीने का है, इसमें चाहे मुझे केंद्र सरकार हमारे नेतृत्व को प्रार्थना करनी पड़ेगी, आग्रह करना पड़ेगा कि भाई 6 महीने में जो काम हमारे चल रहे हैं रनिंग में उसको पूरा करने के लिए मैं भी पूरा सहयोग इनको करूं, ये उनको आग्रह करूंगा। जेजेपी के साथ जो गठबंधन था टूट गया है, और गठबंधन टूट गया तो आपको लगता है कि आगे नायब सिंह जी भी आ गए हैं, आपके बारे में बता रहे थे कि कैसे आपने संघर्ष किया। नायब सिंह जी बात ये की जा रही आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए बहुत सारे कार्य मैंने कहा है कि मनोहर जी ने सिस्टम को सुधारने के लिए खड़े किए हैं, और उस सुधार को आगे बढ़ाने का काम लगातार वो जारी रहेगा। जो मनोहर जी की एक सोच थी और उस सोच का लाभ भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना, योजनाबद्ध तरीके से पहुंचना, ये इसी के सोच का परिणाम है और उसका लाभ भी हर व्यक्ति को मिल रहा है। उस यात्रा को और आगे बढ़ाना वो मेरी जिम्मेवारी है, और समय समय के ऊपर भी जैसा भी और कोई स्टेट के बारे में जो अच्छे कोई विषय आएंगे उन विषयों को आगे बढ़ाना वो हमारी जिम्मेवारी है। और उस संगठन के अंदर पार्टी के अंदर बैठ करके उन सब बातों की चर्चा भी होती है, करते भी हैं कि इस दिशा के अंदर चलना है, उस दिशा के अंदर चलेंगे। मनोहर जी आपका इतना एक्सपीरियंस है संगठन का भी सरकार का भी, ऑलमोस्ट 2 टर्म आपके होने को थे अभी, तो किस ढंग से नायब सिंह जी को आप मदद करने वाले हैं? हालांकि आपने अब इस्तीफा दे दिया विधायकी से, सदन में तो आप नहीं दिखाई देंगे, हरियाणा की राजनीति में आप क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि अब सेंटर में भी आप जा सकते हैं, चुनाव लड़ने की खबरें हैं लोकसभा, तो नायब सिंह जी को आप अपने अनुभव का कैसे लाभ देंगे? देखिए अब क्योंकि मैं हरियाणा से ही संबंध रखता हूं, कल को कोई भूमिका मुझे चाहे हरियाणा की रहे या केंद्र की रहे उससे फर्क इतना नहीं पड़ता है। होम स्टेट के नाते से हमारा मिलना जुलना भी होगा, समय समय पर हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग होगी उससे भी मिलेंगे, और जब सारी जानकारियों के माध्यम से मुझे लगेगा कहीं अगर मुझे सहयोग करने की आवश्यकता आएगी तो मैं हमेशा इनकी पीठ पर रहूंगा, और हरियाणा की जनता को आखिरी क्षण तक आखिरी दम तक सेवा करना ये मेरा संकल्प है। अंत्योदय की भावना से जो हमने काम आगे शुरू किए हैं को लगातार चलाएंगे, और इस विषय की जानकारियां हम सबको दोनों को इकट्ठे भी हैं, क्योंकि इकट्ठे हमने काम किया तो हम एक दूसरे को समझते भी हैं हमने किस विषय को लेकर आगे बढ़ना है। जहां तक कार्य पद्धति और सरकारी टेक्निक का विषय होता है ये सब आदमी सीख जाता है, कुछ जनता सिखा देती है, कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी वो सिखाती है, रहा सा काम जो है विधानसभा में जो विपक्ष है वो सिखा देता है, तो इसलिए कोई कठिनाई नहीं आएगी। हम भी नए ही थे, अभी ये तो पार्लियामेंट मेंबर भी रहे, पहले से पहले प्रदेश में मंत्री भी रहे, मैं तो जब मुख्यमंत्री बना था तो उस समय केवल विधायक बनकर ही आया था, मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो विधायक भी नहीं थे, तो ये चीजें सब अपने अभ्यास से धीरे धीरे आ जाती हैं। कहीं कहना आदमी का जो मन है वो एक प्रकार से इस भावना का होना चाहिए कि मुझे जनता की सेवा करनी है। हम सत्ता को सेवा के लिए उपयोग करते हैं, सत्ता को भोगने के लिए नहीं करते हैं। हमारा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उसका एक विचार जो है वो सबके ऊपर सबके अंदर होता है। आप लोगों को ज्यादा समय लूंगा, एक दो सवाल हो रहे हैं। नायब सिंह जी जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे, पार्टी लीडरशिप ने स्टेट ने सेंटर को भी कहा था कई बार कि इनके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा, तो आपको लगता है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अकेले जाने में फायदा होगा कि थोड़ा देर हुई जेजेपी के साथ जो गठबंधन? नहीं देखिए ये प्रदेश के लोगों की भी और हमारे जो कार्यकर्ता थे उनका भी, क्योंकि सरकार का गठबंधन था, पार्टी का गठबंधन नहीं था, और जब पार्टी का गठबंधन तो हमारे उच्च नेतृत्व ने उसका फैसला लेना, तो जब कार्यकर्ता और प्रदेश की एक आवाज़ आ रही थी कि नहीं अलग लड़ना चाहिए क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती हैं
और आगे भी बड़े मैंडेट के साथ आज हरियाणा के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बड़े मैंडेट के साथ ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो भेजने का काम करेंगे, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अनिल जी नाराज हैं आपके कद्दावर नेता नंबर 2 के मंत्री रहे, कल आपका नाम का जैसे घोषणा हुई उन्होंने असहमति व्यक्त की और मंत्री पद की शपथ लेने भी नहीं पहुंचे, तो आपकी कोई बातचीत हुई है, उनको समझाया जाएगा, उनसे सुलह की जाएगी, कि नाराजगी की वजह क्या आपसे? नहीं, मेरी कल भी बात हुई थी माननीय अनिल जी से, मैंने कहा है उनको कि ये जो मेरे को पद दिया है ये नायब सिंह को नहीं मिला है, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का जो निर्णय है उसको पूरा करना वो जिम्मेवारी है। ये तो मैंने आज विधानसभा में भी ये बात बोली है कि इसी समय के अंदर मैं मंत्री था हरियाणा में और मुझे ये कहा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, तो मैं उधर चला गया, तो मैंने एक बार भी नहीं कहा, जब भी मेरे को कहा तो मैं उधर चला गया और अब इधर कहा है तो फिर इधर आ गए। तो मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मैं यहाँ इस पद के ऊपर आ जाऊँगा। तो मंत्री बनेंगे दोबारा, अनिल बीजी को आप शामिल करेंगे? देखिए, हमारा पार्टी का नेतृत्व सब देखता है और उसके अंदर जो जो नाम आएंगे वो होंगे। मनोहर लाल जी, भूपेंद्र हुड्डा और तमाम कांग्रेस के लोग टारगेट कर रहे हैं कल से कि सरकार ये चेंज जिसलिए रिप्लेस इसलिए किया गया मनोहर लाल जी को, या सरकार का जो हुआ है नया फेस इसलिए लेके आए हैं कि विफलता थी सरकार की, कामयाब नहीं थी, उससे पीछा छुड़वाने के लिए, उसको ढांपने के लिए ये फैसला लिया गया ताकि एंटी इनकमेंसी को खत्म किया जाए, और राष्ट्रपति शासन की भूपेंद्र हुड्डा ने मांग की है कि डिसॉल्व किया जाना चाहिए, किस ढंग से देखते हैं? ऐसा है कि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है और वो डर को छुपा नहीं पा रहे हैं, उसको किसी न किसी रूप में प्रकट करते हैं। उनका मुद्दा तो कोई है नहीं, कोई जनता का ऐसा मुद्दा जिसके कारण से उनको लगता हो कि हमारी सरकार ने कुछ गलत किया हो, ऐसी तो कोई चीज उनको मिलती नहीं है। जब नहीं मिलती है तो पार्टी के इंटरनल फैसलों में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलना, ये उनका एक अभ्यास है, उनकी आदत है, जबकि कोई उस बात का लेना देना नहीं होता, ये हर पार्टी के इंटरनल मामले होते हैं। जब हम कांग्रेस के इंटरनल मामले में कुछ नहीं बोलते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है हमारी पार्टी के इंटरनल मामलों में बोले, ये इंटरनल फैसला है कि हम किस आदमी को क्या दायित्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, फैसला करता है किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। ये सब चीजें हर पार्टी की अपनी अपनी होती है, उनको अपने सीमा में रह करके अगर बोलेंगे तो जनता को ठीक लगेगा, और अगर इस प्रकार से वो आक्षेप करते हुए और ये समझेंगे भी जनता पर इसका कोई प्रभाव जाएगा, उल्टा उनको नुकसान होगा, उनको लाभ नहीं होगा, उनको सलाह है। नायक सिंह जी, आप जाट लैंड माना जाता है हरियाणा, कि जाट डोमिनेट करता है हरियाणा की पॉलिटिक्स को, लेकिन मनोहर लाल जी 2 बार से मुख्यमंत्री रहे, नॉन जाट चेहरा बने पार्टी का, पार्टी ने इनको आगे बढ़ाया और सेकंड टर्म में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले थे, तो आपको लगता है ओबीसी चेहरा दे करके पार्टी की तरफ से जाट वोट बैंक को किस ढंग से आप लोग करेंगे, क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि जाट बीजेपी के उतना नजदीक नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति तो करती नहीं है और ना कभी जात की राजनीति की है, ये राजनीति अगर की है तो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की ये सोच रही है कि जात के अंदर भी आगे सब कास्टों में खड़ा करना, आप देख रहे हैं कितना नीचे तक जाकर के कांग्रेस ने समाज को एक नुकसान पहुंचाया है, और ऐसा नहीं है, जाट आज भी हमारे साथ है, काफ़ी संख्या में जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे साथ खड़ा है, ऐसा नहीं, जो कांग्रेस के विचार का है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, हुड्डे के विचार का हुड्डा के साथ खड़ा है, जो INLD के साथ है वो INLD के साथ खड़ा है, और जो जजपा के साथ है जजपा के साथ खड़ा है, हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी हमें सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है अकेले चुनाव में जाने से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है, तो ये जो डिसीजन हुआ है उसका फायदा आपको मिलेगा? नहीं, देखिए इसके अंदर क्योंकि पीछे 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने जीती और 10 की 10 अब की बार भी बड़े मैंडेट से क्योंकि प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, और मैंने कहा है कि मनोहर लाल जी ने जो जबरदस्त काम किए हैं, कोई काम छोटे नहीं किए, एक गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण कहीं देखने को मिलता है देश के अंदर वो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा में चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, नहीं तो चक्कर काटते रहते थे सेक्रेटरीट के, आज कोई दिखाई नहीं देता, घर बैठे ही तबादला हो जाता है नौकरी के लिए, नहीं तो नेताओं के ही चक्कर काटते रहते थे, आज किसी नेता के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही उसको नौकरी मिल रही है। इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं, और जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकार ने काम किए हैं, तो आज लोगों का ही बात है कि अब की बार फिर 10 की 10 सीटें बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेजी। काफी सवाल मनोहर जी,
कहा जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटों पे जो सर्वे सामने आए इंटरनल बीजेपी के भी कि कुछ सीटों को लेकर प्रॉब्लम है बीजेपी को हरियाणा स्टेट में, इसलिए सारी चीजें बीजेपी आंकलन कर रही थी। तो आपको लगता है कि जो अब चेंजेस हुए हैं उसका कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा, या पहले से ही आपको लग रहा था कि जैसे आप भी क्लेम करते थे 10 की 10 सीटें आएगी और तीसरी बार हरियाणा क्लेम करते हैं, अभी हम क्लेम करते हैं 10 की 10 आएंगी। अब देखिए हर घटना का ठीक है कोई ना कोई प्रभाव जनता के ऊपर रहता होगा, ऐसा मैंने नहीं कहता कि नहीं रहता होगा, लेकिन ये जो घटनाएं हैं या कोई परिवर्तन है ये एक सिस्टम का एक अटूट अंग है। ये परिवर्तन लगातार शुरू से लेकर आज तक डेमोक्रेसी में नए लोग आते हैं, पुराने लोग बाहर भी निकलते हैं, तो ऐसे अदल बदल भी होते स्थानों के, ये किसी एक पार्टी का एक सिस्टम का ऐसा नहीं, सब पार्टियों के अंदर ये सब होता है, मूल्यांकन भी सब करते ही है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी हमेशा अच्छा रहता है, जनता की चाहत अच्छे आदमी के प्रति कई बार नाराजगी हो जाती है, और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, कोई जनता का बड़ा काम करते हैं ऐसा भी नहीं, फिर भी जनता की चाहत हो जाती है। तो पार्टी को जिताने के लिए, कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जनता की भावना का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। तो जनता की भावनाएं जिधर जाती हैं जिधर बढ़ती है पार्टी मूल्यांकन करती है, पार्टी सर्वे भी कराती है, पार्टी का बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, नेटवर्क के माध्यम से हमारे पास फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक के आधार के ऊपर जिताऊ कैंडिडेट पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखने वाले और पार्टी निष्ठ जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, वो पुराने भी हो सकता है नए भी हो सकता है सब होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी और महेश सिंह सैनी जी हमसे बात करने के लिए।